हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लू वाल फैमिली ब्लॉग में। और तो आज यहीं से शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो चलिए आइए कुछ बनाते हैं। तो जी आज हम बना रहे हैं डबल तड़के वाली कढ़ी। तो वो कैसे बनाते हैं अब आप देखिए। तो जी वैसे तो दही की और रेडीमेड मट्ठा आता ही है, उसकी कढ़ी बनाए तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कि घर के मट्ठे का टेस्ट आता है। तो जी हमारे यहाँ गांव से मट्ठा आया था और आज हम उसी की कढ़ी बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। तो जी सबसे पहले हमने मट्ठा ले लिया है और अब इस मट्ठे में हम बेसन डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी बेसन हमने मिला लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी कढ़ी हमने घोल ली है और इधर से घोल लिया हमने पकोड़ों के लिए बेसन और कढ़ाई यहाँ पे रख ली है गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है और अब हम बनाएंगे कढ़ी के लिए पकोड़े। तो जी तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें डाल देंगे हम मेथी दाना। और इसके बाद इसे फ्राई होने के बाद हम इसमें साबुत लाल मिर्च डालते हैं, लेकिन आज मेरे पास नहीं है तो इसलिए नहीं। और इधर से डाल दिया मैंने इसमें प्याज। लहसुन हम खाते नहीं इसलिए हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से चला देंगे। और अब इसमें हमने जो मट्ठे में बेसन घोल रखा है वो डाल देंगे। अब हम इसको कढ़ी को चलाते रहेंगे तब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता, तब तक हम इस कढ़ी को चलाते रहेंगे।
और इधर से मैंने रख दिया है चावलों के लिए पानी, तो हमारे कढ़ी चावल साथ साथ बन जाएंगे। तो जी अब करते हैं हम इंतजार कढ़ी में उबाल आने तक। और अगर कढ़ी मतलब चूल्हे पे बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और अच्छी तरह से पक भी जाती है और उसका स्वाद भी अलग ही होता है, लेकिन गैस पे तो टाइम ही लगता है। और ये आप हमारी पकौड़ी देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट और कितनी अच्छी पकौड़े बने हुए हैं। तो जी देखिए कढ़ी में उबाल आ रहा है और हम इसमें डाल देंगे पकोड़े। और इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी देखिए कढ़ी हमारी बन चुकी है और अब हम तैयारी करते हैं इसके दूसरे छौंक की। तो जी इधर हमने ये रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज। और ये प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इधर से कढ़ी हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे सौंठ, गरम मसाला और इसके बाद डाल देंगे डाल देंगे हींग और अब डाल देंगे हम ऊपर से ये वाला तड़का। और कढ़ी आप हमारी देख सकते हैं तो जी कुछ इस तरह की कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है और ये हो गई पकोड़ों वाली डबल तड़के की कढ़ी। और तो ये हमने चावल बना लिए हैं, तो आइए कढ़ी चावल खाइए। तो जी इसी के साथ हम अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे फिर से एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाने ना भूलना मत। लाइक तो जी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।